फिर स्वागत है। मैं बलराम सिंह, फैकल्टी ऑफ राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। जैसे कि कल हमने आपको बताया था राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी या इतिहास के बारे में जो सामान्य जानकारी दी थी, और कल मैंने आपको बताया था कि हम कल से एक एक करके राजस्थान हिस्ट्री के सारे टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। तो आज मैं आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिया हूँ। राजस्थान हिस्ट्री को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, और पहला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और लगभग राजस्थान जीके से संबंधित सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान में जो सभ्यताएं हुई है, आज हमें उनके बारे में पढ़ना है कि राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं हुई है और वहां से हमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं। तो पहला टॉपिक है राजस्थान की सभ्यता। सभ्यताओं की बात करें, देखो राजस्थान की सभ्यता, सभ्यताओं से हमें पहली बात जानकारी क्या मिलती है। तो सभ्यताओं से हमें प्राचीन समय के, वहाँ प्राचीन समय में जो लोग रहते थे वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका समाज कैसा था, रीति रिवाज क्या थे, उनकी वेशभूषा, उन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है किससे, सभ्यताओं से। और इन सभ्यताओं में हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण सभ्यता स्थलों का अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके हम राजस्थान के सभी सभ्यताओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहली जो सभ्यता है राजस्थान इतिहास के अंतर्गत, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और पहली राजस्थान सभ्यताओं के अंतर्गत राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता है अपनी काली बंगला सभ्यता। कौन सी सभ्यता? काली बंगला सभ्यता। तो हम पढ़ेंगे आज काली बंगला सभ्यता। देखिए सभ्यता टॉपिक ही अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक में सभी सभ्यताओं में से जो इम्पोर्टेंट सभ्यता है काली बंगला, आहड़, बैराट और गणेश्वर, ये चार सभ्यता तो बहुत अच्छे ढंग से हमें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी जानी है, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर की जो कोशिश होती है वो इन्हीं में से क्वेश्चन लेने की होती है, और इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट काली बंगला सभ्यता। तो पहली सभ्यता हम बात कर रहे हैं इसकी काली बंगला सभ्यता के बारे में। तो देखिए काली बंगला सभ्यता, काली बंगला सभ्यता हमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर मिली है। तो काली बंगला संबंधित सभ्यता से जो संबंधित जिला है वो कौन सा हुआ अपना, हनुमानगढ़। काली बंगला सभ्यता से संबंधित जिला कौन सा हो गया, हनुमानगढ़। काली बंगला सभ्यता किस जिले में मिली है, हनुमानगढ़ जिले में, और किस नदी के तट पर, घग्गर, घग्गर या सरस्वती, क्योंकि घग्गर का प्राचीन नाम क्या है, सरस्वती। तो घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर हमें कौन सी सभ्यता मिली है, काली बंगला सभ्यता। काली बंगला सभ्यता किस जिले में, हनुमानगढ़। कौन सी नदी के तट पर, घग्गर, और घग्गर ऑप्शन में नहीं आ रहा तो क्या करके आनी है, सरस्वती। जब दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो क्या करके आना है, जब दोनों ऑप्शन में आ रहे तो ध्यान रखना दोस्तों हमें घग्गर ना करके करके आनी है सरस्वती, क्योंकि जो सभ्यताएं हैं ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि काली बंगला सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी, किसके किनारे, सरस्वती, और आज आने किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सा, घग्गर। तो काली बंगला सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर या सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। अब काली बंगला सभ्यता भारत में एक बहुत इम्पोर्टेंट सभ्यता है सिंधु घाटी, और सिंधु घाटी सभ्यता के ही अंतर्गत एक नगर हुआ काली बंगला। काली बंगला सभ्यता सिंधु घाटी का ही एक नगर है। तो सिंधु घाटी की जो समय माना गया है वही काली बंगला का सब समय माना जाएगा। तो काली बंगला के अगर हम काल निर्धारण की बात करें तो काली बंगला सभ्यता का जो काल माना गया है या काल को निर्धारित किया गया है वो रेडियो कार्बन C14 पद्धति के आधार पर ये माना गया है 2350 से 1750 ईसा पूर्व।
कितना माना गया है, रेडियो कार्बन सी 14 पद्धति के आधार पर 2350 से 1750 ईसा पूर्व, क्योंकि यही सिंधु घाटी सभ्यता की टाइमिंग है और यही काली गंगा सभ्यता की टाइमिंग है। हम ऐसे कह सकते हैं 2300 से 1700, पर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाइमिंग है वो 2350 से 1750 है, और उसी के अंतर्गत काली गंगा आ रहा है, तो काली गंगा सभ्यता का काल निर्धारण भी क्या हुआ, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब काली गंगा सभ्यता की बात करें तो काली गंगा जो शब्द है, काली गंगा का जो शाब्दिक अर्थ है, काली गंगा का शाब्दिक जो अर्थ है ये है काले रंग की चूड़िया। काली गंगा का शाब्दिक अर्थ लिया गया है काले रंग की चूड़िया। शाब्दिक अर्थ क्या होगा, काले रंग की चूड़िया के सभ्यता का काली गंगा। काली गंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन सी 14 पद्धति के आधार पर 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, काले रंग की चूड़िया। इसके बाद अगर हम बात करें काली गंगा सभ्यता की, तो काली गंगा सभ्यता को इसका अगर हम उपनाम देखें तो काली गंगा सभ्यता का एक उपनाम मिलता है, इसे कहते हैं दीनहीन बस्ती। क्या नाम लिया है, दीनहीन बस्ती के नाम से किसे जाना जाता है, काली गंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि काली गंगा सभ्यता के जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित हैं। कैसी ईंटों से, कच्ची ईंटों से निर्मित हैं। यहाँ के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण काली गंगा सभ्यता को क्या कहा गया है, दीनहीन बस्ती के नाम से जाना गया है। तो काली गंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, काले रंग की चूड़ियां, और इसका उपनाम क्या है, दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती क्यों, क्योंकि यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से क्या हुए, निर्मित हैं, इसलिए इसे कहते हैं दीनहीन बस्ती। इसके बाद बात करें तो काली गंगा सभ्यता को राजस्थान में एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, और डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक है राजस्थान थ्रू द एजेस। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेस डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेस में इस सभ्यता को सिंधु घाटी की, कौन सी की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। कौन सी राजधानी बताया है, तीसरी राजधानी बताया है। तो काली गंगा सभ्यता को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी क्या बताया है, राजधानी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी बताई गई है वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जबकि इसकी जो तीसरी राजधानी बताई गई है वो कौन सी है, काली गंगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो राजस्थान से उनका कोई रिलेशन नहीं है, तो काली गंगा सभ्यता हमने बताई है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी की क्या बताया है, तीसरी राजधानी। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो काली गंगा सभ्यता भी कैसी हुई, एक नगरीय सभ्यता है। काली गंगा सभ्यता कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। काली गंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। काली गंगा सभ्यता चेम्स बोर्ड पद्धति, कौन सी पद्धति, चेम्स बोर्ड पद्धति,
चेंज बोर्ड पद्धति पर बसी हुई क्या थी सभ्यता। चेंज बोर्ड पद्धति इसे ही हम कह सकते हैं ग्रिड प्रणाली। क्या कह सकते हैं? ग्रिड प्रणाली पर बसी हुई क्या थी सभ्यता। चेंज बोर्ड पद्धति या ग्रिड प्रणाली पर बसी हुई सभ्यता अपनी कौन सी है? काली गंगा सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता का एक अंग है काली गंगा, तो काली गंगा भी कैसी सभ्यता हुई? काली गंगा भी नगरीय सभ्यता हुई। और कौन सी पद्धति पर? चेंज बोर्ड पद्धति या ग्रिड प्रणाली। अब देखो चेंज बोर्ड पद्धति क्या है? चेंज बोर्ड पद्धति का अर्थ है जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हों वो कौन सी पद्धति कहलाती है? चेंज बोर्ड पद्धति। तो चेंज बोर्ड पद्धति में सड़कें एक दूसरे को कैसे काटेंगे? समकोण पर और समकोण पर काटने इसे कहते हैं कौन सी पद्धति? चेंज बोर्ड पद्धति। इसके बाद चेंज बोर्ड पद्धति पर राजस्थान में एक शहर भी बसा हुआ है। आगे में जब आपको आमेर पढ़ाऊंगा तो आमेर में सवाई जयसिंह आएगा कि सवाई जयसिंह ने एक शहर बसाया था जयपुर, और जयपुर शहर कौन सी पद्धति पर बसा हुआ है? चेंज बोर्ड पद्धति पर। तो राजस्थान में जयपुर शहर चेंज बोर्ड पद्धति पर बसा हुआ है और पूरे भारत में केवल दो ही शहर हैं जो चेंज बोर्ड पद्धति पर बसे हुए हैं, पहला जयपुर दूसरा चंडीगढ़। तो जयपुर और चंडीगढ़ दोनों कैसे हैं? चेंज बोर्ड पद्धति पर बसे हुए शहर। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे मिली है? हनुमानगढ़। कौन सी नदी काटी पर? घग्गर। घग्गर नहीं तो सरस्वती। उसके बाद इसका काल निर्धारण रेडियो पार्टन सी 14 पद्धति के आधार पर क्या माना गया है? 1350 से 1785 ईसा पूर्व। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़िया। उपना दी ही बस्ती। यहाँ पर जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से बने थे इसलिए इसे क्या कहते हैं? दी ही बस्ती। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या बताया है? तीसरी राजधानी। इनकी पुस्तक राजस्थान थ्रू दी एजेस में इन्होंने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी किसे बताया? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता ऐसी सभ्यता है नगरीय सभ्यता। कौन सी पद्धति पर? चेंज बोर्ड पद्धति। इसे क्या बोलते हैं? ग्रिड प्रणाली। जहां सड़कें एक दूसरे को कैसे काटें? समकोण पर। इसके बाद बात करें कालीबंगा सभ्यता की खोज। किसने खोज की? किसने सबसे पहले बताया? किसने खोज की? किसने उद्धरण किया? तो कालीबंगा सभ्यता की बात करें देखिए कालीबंगा सभ्यता की खोज से पहले एक व्यक्ति हुआ जिसने कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम बताया। तो सर्वप्रथम एक विद्वान हुए एल पी टेसी टोरी। कौन हुए? एल पी टेसी टोरी। उदिनी गांव इटली से संबंध है, इटली के रहने वाले थे, राजस्थान में आए थे, चार साहित्य पर शोध किया था। जब मैं आगे इतिहास पर अपनी जानकारी दूंगा तो एल पी टेसी टोरी के बारे में भी बताऊंगा। तो सर्वप्रथम इसके बारे में किसने बताया? एल पी टेसी टोरी। किस सभ्यता के बारे में? कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम एल पी टेसी टोरी ने बताया। लेकिन उस समय इनकी बात पर किसी ने ऐसा कोई खास ध्यान नहीं दिया। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज हुई, कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज हुई है ये हुई 1951-52 में। कब हुई है? खोज हुई 1951-52 में। और कालीबंगा सभ्यता की जो खोजकर्ता हैं ये हुए हैं अमलानंद घोष। कौन हुए हैं? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1951-52 में किस सभ्यता की खोज की? कालीबंगा सभ्यता की। तो सर्वप्रथम किसने बताया? एल पी टेसी टोरी ने। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कब की है? 1951-52 में। अब इसके बाद कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने किया? तो कालीबंगा सभ्यता की अगर हम उत्खनन की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है
ये हुआ 1961 से 1969 के बीच में, और ये दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया। एक हुए हैं बी के थावर और एक हुए बी वी लाल। बी के थापर यानी बाल कृष्ण थापर, बी वी लाल यानी ब्रजवासी लाल। इन दो व्यक्तियों ने इसका क्या किया है, उत्खनन। सर्वप्रथम किसने बताया, एलपी टेस्टी, खोज किसने की, अमलानंद घोष, और उत्खनन किसने किया, बी के थापर और बी वी लाल ने। इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता को यात्रा के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको बता रहा हूँ, वो शायद नहीं है कि इससे आपको कभी भी खोजकर्ता और उत्खननकर्ता को याद करने की जरूरत ना पड़े। देखिए, एक पति पत्नी थे, दोनों के बीच में बहुत कम ही बनती थी, यानी कि लड़ाई झगड़े का माहौल ज्यादा रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि आपको पता है लेडीज भारतीय आज लेडीजों की स्थिति ये है कि हर चीज मैचिंग ही पहनती है, मैचिंग की साड़ी, मैचिंग का दुपट्टा, मैचिंग के सूट, यानी हर चीज मैचिंग के सैंडल, जो भी चीज होगी मैचिंग ही पहनेंगी। तो वो जो लेडीज थी, पति पत्नी में आपस में बहुत कम बनती थी, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते थे। तो एक बार क्या हुआ, उस लेडीज ने काले रंग की क्या पहनी, साड़ी। काले रंग की साड़ी पहनने के बाद उसने काले रंग की क्या पहनी, चूड़ियां। अब काले रंग की चूड़ियां पहनी, और काले रंग की चूड़ियां हमारे समाज में पहनी जाती हैं पति के मरने के बाद। अब जैसे ही पति वापस आया, वापस आते उसने देखा कि पत्नी ने काले रंग की चूड़ी पहन रखी है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर उसने पत्नी से कहा कि चूड़ियों को उतार दो। उसने चूड़ी उतारने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो पति को और ज्यादा गुस्सा आया, उसने कहा कि उन्होंने हमारे बीच में जो बात है वो बन नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं, पर ये क्या हुआ कि उन्होंने मार ही दिया। तो पति ने उसे चूड़ी उतारने के लिए कहा, लेकिन पत्नी ने क्या कर दिया, मना। जब मना कर दिया तो यानी पत्नी ने पति की बात पर क्या नहीं किया, अमल। क्या नहीं किया, अमल। पत्नी ने पति की बात पर क्या नहीं किया, अमल। जब पत्नी ने पति की बात पर अमल नहीं किया तो पति को क्या आया, गुस्सा। गुस्से में आके पत्नी ने खींच के क्या मारा, थापर, यानी कि थप्पड़। गुस्से में आके पति ने क्या मारा, थप्पड़। अब बीवी को पिटाई करने के बाद बीवी को क्या आया, गुस्सा, यानी बीवी गुस्से से कैसी हो गई, लाल। पत्नी ने बात पर अमल नहीं किया, पति ने थप्पड़ मारा, और बीवी गुस्से से कैसी हो गई, लाल। तो अमल से याद रखना है अमलानंद घोष, थप्पड़ से याद रखना है बी के थप्पड़, और लाल से याद रखना है बीवी लाल। तो काली मंदा का खोज करता अमलानंद घोष, उत्खनन करता बी के थप्पड़ और बीवी लाल, ब्रजवासी लाल। तो ये कालीगंगा से सामान्य जानकारी। कालीगंगा किस जिले में है, हनुमानगढ़। किस नदी के किनारे, गंगा या सरस्वती। काल निर्धारण, उस रेडियो पारण सी 14 पद्धति के आधार पर 1350 से 1785 ईसापूर्व। शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां। उपनाम क्या है, धीमी बस्ती, क्योंकि यहाँ के मकान कैसे ईंटों से निर्मित है, कच्ची ईंटों से निर्मित है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की इसे क्या बताया है, तीसरी राजधानी बताया है। ये कैसी सभ्यता है, नवीन सभ्यता है। कौन सी पद्धति पर बसी हुई है, जेम्स मोर पद्धति पर बसी हुई सभ्यता है। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, एलपी टेस्टी। इसकी खोज कब हुई, 1951 का खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। उत्खनन का हुआ 1961 से 1979, किसने किया, बी के थप्पड़ और बी वी लाल। याद रखने के लिए बीवी ने बात पर क्या नहीं किया, अमल। खींच के क्या मना, थप्पड़। बीवी गुस्से से लाल, ठीक है। तो अमल से अमलानंद घोष, थप्पड़ से बी के थप्पड़, और लाल से बीवी लाल। इसके बाद हम बात करें कालीगंगा सभ्यता। तो सभ्यताओं में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ पर मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों में से पूछे जाते हैं, यानी कि यहाँ से हमें कौन कौन सी वस्तुओं की प्राप्ति हुई है या सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं,
उनसे संबंधित क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं या यहाँ से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य। तो देखिए हमें यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिलेंगे, क्या क्या यहाँ की विशेषताएं रहेंगे। तो कालीबंगा सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन सी वस्तुएं हमें कालीबंगा से मिली है। मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात करेंगे। अब तक हमने कालीबंगा की जो नॉर्मल जानकारी थी वो भी है, अब यहाँ पर हमें कौन कौन सी वस्तुएं कालीबंगा से मिली है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता में याद रखना यहाँ से हमें मिला है दुर्गिया गढ़ी के अवशेष। किसके अवशेष मिले हैं? दुर्गिया गढ़ी के अवशेष। किस सभ्यता के अंतर्गत? कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके ज्यादातर नगरों में हमें दुर्ग के अवशेष मिले हैं, उसी के अंतर्गत कालीबंगा है। तो कालीबंगा सभ्यता से भी दुर्गिया गढ़ी के क्या मिलते हैं? अवशेष। उसके बाद बात करें कालीबंगा सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से हमें दोहरे पर कोटे के क्या मिले हैं? प्रमाण। पर कोटे का चार दीवारें, यानी कि ये नगर के चारों ओर दो पर्वतों के प्रमाण मिले हैं। कैसे? देखिए कालीबंगा जो स्थल था दो भागों में डिवाइड था, एक इसका पश्चिमी भाग एक इसका पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग के चारों ओर क्या थे? दीवार। और पूर्वी भाग के चारों ओर क्या थे? दीवार। तो यहाँ पर दो दीवारों के अवशेष मिले थे, यानी कालीबंगा सभ्यता से हमें क्या मिला है? दोहरे परकोटे के क्या मिलते हैं? प्रमाण। कालीबंगा सभ्यता से दोहरे परकोटे के क्या मिले हैं? प्रमाण। दुर्गिया गढ़ी के क्या मिले हैं? अवशेष। इसके बाद बात करें कालीबंगा सभ्यता में विश्व के सबसे प्राचीनतम, कालीबंगा सभ्यता से विश्व में सबसे प्राचीनतम हल के साक्ष्य मिले। विश्व में सबसे प्राचीनतम हल के जो साक्ष्य मिले हैं वो किस सभ्यता से? कालीबंगा। या किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा। सबसे पहले विश्व में अगर हम एक बात में कहेंगे सबसे पहले कृषि कहाँ पर स्टार्ट हुई, तो वो हम कह सकते हैं किससे? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता में प्राचीनतम हल के क्या मिले हैं? साक्ष्य। अब हल मिला है तो निश्चित है हल से कुछ ना कुछ जोता भी गया होगा। तो विश्व में सबसे प्राचीनतम जुटे हुए खेत, विश्व में सबसे प्राचीनतम जुटे हुए खेत किस सभ्यता के अंतर्गत मिलेंगे? कालीबंगा। विश्व के सबसे प्राचीनतम हल के साक्ष्य, विश्व के सबसे प्राचीनतम जुटे हुए खेत किस सभ्यता के अंतर्गत? कालीबंगा। अब खेत जब जोते गए हैं तो उनमें कुछ बोया भी गया होगा, तो बोने के लिए देखो फसलें कौन कौन सी है यहाँ पे? यहाँ पे मिश्रित कृषि। कैसी कृषि? मिश्रित कृषि, यानी कि मिश्रित कृषि में दो फसलें बोई जाती थी, गेहूं और जौ। कौन कौन सी? गेहूं और जौ। राजस्थान में फसल होती है गेहूं प्लस चना, जिसे बोले जिसे जैसलमेर में बोलते हैं रैड़ा। यहाँ पर है गेहूं प्लस जौ, ये कैसी कृषि है? मिश्रित कृषि, जो किसके अंतर्गत बोई जाती थी? कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत। तो कालीबंगा सभ्यता में मिश्रित कृषि के क्या मिले हैं? अवशेष। मिश्रित कृषि के अवशेष, और मिश्रित कृषि में क्या बोला जा रहा है? गेहूं और जौ। मिश्रित कृषि के अवशेष मिले हैं किस सभ्यता के अंतर्गत? कालीबंगा। इसके अलावा यहाँ पर दोहरे जुटे हुए खेत क्या मिले हैं? दोहरे
दोहरे जुटे हुए खेत, और इन दोहरे जुटे हुए खेतों में सर्वाधिक जो प्रयोग में लाया जाता था, सर्वाधिक इनका प्रयोग सरसों एवं चने के लिए होता था। दो फसलों के लिए सर्वाधिक प्रयोग होता था सरसों एवं चना। सर्वाधिक दोहरे जुटे हुए खेतों का उपयोग कौन सी फसलों के लिए? सरसों एवं चना, अर्थात सरसों एवं चने के भी साथ से जुड़े हैं। यहां से हमें कपास के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? कपास के क्या मिलते हैं? साक्ष्य। किस सभ्यता के अंतर्गत? कालीबंगा। और कपास को यूनानी भाषा में, कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा में बोला जाता है सेंडन। कपास को यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं? सेंडन। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, कपास को यूनानी भाषा में क्या बोला जाता है? सेंडन। और कपास के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां पर मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत। एक बार दोबारा से देखिए, कालीबंगा से दुर्गिया गढ़ी के अवशेष, दोहरे परछोटे के प्रमाण, यहाँ से विश्व के सबसे प्राचीनतम हल के साक्ष्य, विश्व के सबसे प्राचीनतम जुटे हुए खेत, यहाँ से मिश्रित कृषि और मिश्रित कृषि में गेहूं और जौ के अवशेष, यहाँ से दोहरे जुटे हुए खेत, इन जुटे हुए खेतों में सर्वाधिक क्या? सरसों एवं चना। यहाँ से हमें कपास के भी क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। और कपास को यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं? सेंडन। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर हमें घरों में कुएं भी क्या मिले हैं? प्रमाण। घरों में कुएं भी क्या मिलते हैं? प्रमाण। यानी कि कालीबंगा सभ्यता के जो घर हुए हैं उनमें क्या मिले हैं? कुएं। कालीबंगा सभ्यता में घरों में कुएं भी क्या मिलते हैं? प्रमाण। इसके अलावा यहां से जो नालियां बनी हैं वो है लकड़ी की। किसकी? लकड़ी की। और इनको कहा गया है कच्ची नाली। क्या कहा गया है? कच्ची नाली, लकड़ी की नाली या कच्ची नाली के प्रमाण। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जल निकास प्रणाली। भारतीय इतिहास के बारे में बता रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी जल निकास प्रणाली, और उसी के तहत उसका ही एक शहर है कालीबंगा। तो कालीबंगा सभ्यता में जो नालियां बनी थी सिंधु घाटी के ज्यादातर नगरों की अपेक्षा विपरीत है, यानी कि सिंधु घाटी में पक्की नालियों के अवशेष थे लेकिन कालीबंगा में लकड़ी की नाली थी, तो इनको कैसी नाली कहा गया है? कच्ची नाली के अवशेष। कौन सी सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर एक मकान मिला है, और उस मकान में क्या थे? दरारें मिली हैं। तो यहाँ से जैसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर क्या आया था? भूकंप। तो यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? भूकंप के साक्ष्य। इस सभ्यता के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी की नाली मिली है, भूकंप के साक्ष्य गांव में हुए के प्रमाण। इस सभ्यता के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से हमें देखिए अग्निवेद का, यहां से हमें सात अग्निवेदिकाएं मिली हैं, या ऐसे कह सकते हैं हम हवन कुंड। अग्निवेदिका या हवन कुंड के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से अग्निवेदिका या हवन कुंड के क्या मिले हैं? प्रमाण। और इन्हीं हवन कुंडों के पास में बलि वेदी के क्या मिले हैं? प्रमाण। इसका अर्थ क्या हुआ कि कालीबंगा सभ्यता में बलि प्रथा विद्यमान थी। यहां बलि प्रथा क्या थी? विद्यमान थी। कालीबंगा सभ्यता में
अग्नि वेदिका और हवन कुंड के प्रमाण मिलेंगे और इन्हीं हवन कुंडों में बनी वेदी के क्या मिलते हैं प्रमाण। इसका अर्थ क्या हुआ कि कालीगंगा में बली प्रथा क्या थी विद्यमान थी। इसके अलावा देखो कालीगंगा सभ्यता से हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है। कैसा चिन्ह मिला है? स्वास्तिक चिन्ह यानी कि सांतिया। स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष किस सभ्यता के अंतर्गत कालीगंगा पूछा वो क्वेश्चन है। देखो दोबारा से एक बार, यहाँ से दुर्गिया घड़ी के क्या मिलेंगे अवशेष? दोहरे पर कोटे के क्या मिलेंगे प्रमाण? विश्व के सबसे प्राचीनतम हल्के साक्ष्य जुटे हुए खेत मिश्रित कृषि जिसमें क्या है गेहूं और जौ, दोहरे जुटे हुए खेत जो सर्वाधिक सरसों एवं चने की खेती के लिए प्रयोग में लाए जाते थे, कपास के साक्ष्य यूनानी भाषा में से क्या कहा गया है सिंदन, यहाँ से लकड़ी की नाली कच्ची नाली के प्रमाण, यहीं पर भूकंप के साक्ष्य अग्निवेदिका या हवन कुंड के प्रमाण, इसी से बलिवेदी के प्रमाण अर्थात यहाँ पर बलि प्रथा क्या थी विद्यमान थी, यहीं से हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है। इसके अलावा यहाँ पर हमें कांसे का दर्पण, किसका दर्पण मिला है? कांसे का दर्पण मिला है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता थी, कांसे की सभ्यता थी, अर्थात वहां पर ज्यादातर जो वस्तुएं मिली हैं वो कांसे से निर्मित मिली हैं। इसी तरह कालीगंगा सभ्यता में ज्यादातर जो वस्तुएं हैं वो किससे निर्मित हैं? कांसे धातु से निर्मित हैं। तो यहाँ पर हमें कांसे का क्या मिला है दर्पण। सिंधु घाटी सभ्यता में विश्व के सबसे प्राचीनतम शल्य चिकित्सा, विश्व की सबसे प्राचीनतम शल्य चिकित्सा जिसको बोलते हैं हाइड्रो एस्पोलिस, विश्व की सबसे प्राचीनतम शल्य चिकित्सा या हाइड्रो एस्पोलिस के प्रमाण। यहाँ पर हमें एक बाल का अंकार मिला है जिसकी खोपड़ी में छह छेद हैं। इससे अनुमान लगाया गया है कि विश्व में सर्वप्रथम जो शल्य चिकित्सा की हुई थी या शल्य चिकित्सा जो कही की गई थी वो कौन सा नगर था? कालीगंगा। तो कालीगंगा सभ्यता में विश्व के सबसे प्राचीनतम शल्य चिकित्सा या हाइड्रोस्पोरिस के क्या मिलते हैं प्रमाण? किस सभ्यता के अंतर्गत मिलते हैं? कालीगंगा सभ्यता के अंतर्गत। कालीगंगा सभ्यता की बात करें तो यहां से हमें बेलनाकार तंदूर के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? बेलनाकार तंदूर के अवशेष। किस सभ्यता के अंतर्गत? कालीगंगा सभ्यता के अंतर्गत। एक बात मैं देखिए, यहां से हमें दुर्गिया घड़ी के अवशेष, दोहरे पर कोटे के प्रमाण, विश्व के सबसे प्राचीनतम हल्के साक्ष्य, विश्व के सबसे प्राचीनतम झुके हुए खेत मिश्रित कृषि गेहूं और जौ, दोहरे झुके हुए खेत सर्वाधिक सरसों एवं चना, कपास के साक्ष्य यूनानी भाषा में सिंदन, घरों में कुएं के प्रमाण, लकड़ी की नाली या कच्ची नाली के प्रमाण, विश्व के सबसे प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, अग्निवेदिका या हवन कुंड के प्रमाण, यहीं पर बलि वेदी के प्रमाण, अर्थात बलि प्रथा क्या थी विद्यमान थी, यहीं पर हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है, कांसे का दर्पण मिला है, विश्व के सबसे प्राचीनतम शल्य चिकित्सा या हाइड्रोस्पोरिस के क्या मिले हैं प्रमाण, बेलनाकार तंदूर के क्या मिले हैं अवशेष, और भी बहुत सारी चीजें जो सिंधु घाटी से मिली है। देखिए और हमें यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं,
कालीगंगा सभ्यता में मैंने अभी आपको बताया था कि कालीगंगा सभ्यता में जो मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है मकान? किससे निर्मित है? कच्ची ईंटों से। कच्ची ईंटों से निर्मित है, इसलिए कालीगंगा को क्या नाम आया था? दीनहीन बस्ती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कालीगंगा में जो मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है, इसलिए इसे क्या कहा गया था? दीनहीन बस्ती के नाम से जाना गया था। इसके बाद बात करें कालीगंगा में मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो फर्श है फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो फर्श पर कैसी ईंटें मिली हैं? अलंकृत यानी कि सजावटी ईंटें। फर्श पर अलंकृत ईंटों का क्या हुआ है? प्रयोग। फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है किस सभ्यता के अंतर्गत? कालीगंगा सभ्यता के अंतर्गत फर्श पर अलंकृत ईंटों का क्या किया गया है? प्रयोग। कालीगंगा में जो मकान है उन कच्चीटों से निर्मित है, इसके अलावा इसे दीनहीन कहा गया, इसलिए फर्श पर अलंकृत ईंटों का क्या हुआ? प्रयोग। अब मकान तो कच्ची ईंटों से निर्मित है, पर कुछ जगह ऐसी थी जहां पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। तो कालीगंगा में स्नानागार, नालियां, अन्नागार आदि स्थानों पर पक्की ईंटों का क्या हुआ? प्रयोग। कालीगंगा सभ्यता में स्नानागार, नालियां, अन्नागार आदि महत्वपूर्ण जो स्थल थे, महत्वपूर्ण स्थलों में किसका प्रयोग हुआ है? पक्की ईंटों का क्या किया गया है? प्रयोग। मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे जिन्हें दीनहीन बस्ती कहते हैं, इसलिए फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। स्नानागार, नालियां, अन्नागार, पक्की ईंटों का प्रयोग इन जगहों पर हुआ है। कालीगंगा में अगर हम मुद्रा की बात करें कि यहाँ पर कौन सी मुद्रा प्रचलित थी, तो यहां से देखो हमें तीन प्रकार की मुद्रा मिली है। पहली व्याघ्र अंकित, व्याघ्र बोलते हैं चीते को, व्याघ्र अंकित मिट्टी की मोहरे, व्याघ्र अंकित मिट्टी की क्या मिली है? मोहरे। किस सभ्यता के अंतर्गत? कालीगंगा सभ्यता। व्याघ्र या चीता अंकित मिट्टी की क्या मिली है? मोहरे। इसके अलावा हमें यहां से मेसोपोटामिया की, इसके अलावा हमें यहां से मेसोपोटामिया की पांच बेलनाकार मोहरे मिली। यहां से व्याघ्र अंकित मिट्टी की मोहर, मेसोपोटामिया की पांच बेलनाकार मोहरे तथा यहीं से कुमार देवी अंकन की मोहरे मिली। कुमार देवी अंकन की क्या मिली है? मोहरे। इससे अनुमान लगाया गया है कि यहां पर जो समाज था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि यहां से हमें कुमार देवी अंकन की क्या मिली है? मौर्य। तो तीन प्रकार की यहाँ पे मौर्य मिली है, व्याघ्र या चीता अंकित मिट्टी की मोहरे, मेसोपोटामिया की पांच बेलनाकार मोहरे, कुमार देवी अंकन की मोहरे, और इससे समाज का अंदाजा लगाया। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक क्या था? समान। इसके अलावा बात करें तो कालीगंगा सभ्यता से हमें
लगी है। खंडित बैल की मृण मूर्ति, खंडित बैल की क्या है मृण मूर्ति, इसके अलावा हमें यहां से मिट्टी का केक, इसके अलावा हमें यहां से मिट्टी की गेंद, यहां से खंडित बैल की मृण मूर्ति, मिट्टी का केक, मिट्टी की गेंद किस स्तर से मिली है, काली गंगा से, दोबारा से हुआ, मकानों में कैसी ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग, इसलिए इसे क्या बोलते हैं दीनहीन बस्ती। फर्श पर अलंकृत ईंटों का क्या हुआ है प्रयोग, स्नान नगर नालियों नगर में कैसी ईंटों का, पक्की ईंटों का क्या हुआ है प्रयोग। यहाँ पर जो मुद्रा है मिट्टी की मोहरे, मेसोपोटामिया की पांच जीर्णकार मोहरे, कुमार देवी अंकन की मोहरे, समाज कैसा है मास सत्तात्मक, खंडित बैल की क्या मिली है मृण मूर्ति, मिट्टी का क्या मिला है केक, मिट्टी की क्या मिली है गेंद किस स्तर से काली गंगा से। काली गंगा में पुरोहितों का प्रमुख स्थान था, किसका पुरोहितों का प्रमुख स्थान था, किस सभ्यता के अंतर्गत काली गंगा सभ्यता। काली गंगा सभ्यता में बात करें यहां पर जो दहकन होते थे या जो कब्रें थी, काली गंगा में तीन प्रकार की कब्रें मिली हैं, पहली आयताकार, कितने प्रकार की कब्रें तीन प्रकार की, पहली कैसी आयताकार, दूसरी वृत्ताकार और तीसरी युग्मित कब्रें। पहली कैसी आयताकार, दूसरी वृत्ताकार और तीसरी युग्मित कब्रें, ऐसी तीन प्रकार की कब्रें मिली हैं इससे काली गंगा। काली गंगा में शव का जो दाह संस्कार होता था या उसे जो दफनाया जाता था उसका सिर उत्तर दिशा में तथा धड़ दक्षिण दिशा में रखा जाता था। काली गंगा में शव के दाह संस्कार के समय सिर उत्तर दिशा में तथा धड़ दक्षिण दिशा में क्या कराया जाता था रखा जाता था। इस प्रकार से सिर और ऐसे काली गंगा में शव को दफनाया जाता था और उसका दाह संस्कार किया जाता था। तो ये काली गंगा सभ्यता से मिलने वाली बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे हम अपना कच्ची ईंटों से निर्मित हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी फर्श पर अलंकृत ईंटें भी हैं, यहाँ से स्नानगार नालियाँ नागा ईंटों का क्या हुआ है प्रयोग, यहाँ पर जो मुद्राएं मिली हैं वो तीन प्रकार की हैं जैसे जिन पर जाग या चीका का अंकन है, मेसोपोटामिया की पांच बेलनाकार मोहरें मिली हैं, कुमार देवी अंकन की मोहरें मिली हैं, यहाँ पर जो समाज है वो सत्तात्मक समाज है, खंडित बैल की मृण मूर्ति मिली है, मिट्टी का केक मिला है, मिट्टी की गेंद मिली है, पुरोहितों का प्रमुख स्थान था, यहाँ पर कब्रें आयता का वृत्ता का युग्मित समान दिया, युग्मित कब्रें दाह संस्कार से उत्तर दिशा में धड़ दक्षिण दिशा में रखा जाता था। यहाँ की बात करें तो देखो यहाँ का जो प्रिय पशु था काली गंगा सभ्यता में प्रिय पशु था कुत्ता। काली गंगा का प्रिय पशु कौन सा कुत्ता, और काली गंगा सभ्यता में ऊंट की भी अस्थियां मिली हैं। काली गंगा में ऊंट की भी क्या मिली हैं अस्थियां। काली गंगा सभ्यता का प्रिय पशु कुत्ता तथा यहां से ऊंट की भी क्या मिलती है
हैं अस्थियां, किस सभ्यता के अंतर्गत? कालीबंगा। अब कालीबंगा सभ्यता से हमें बहुत सारी चीजें मिली है। अब बहुत सारी चीजें मिलने का अर्थ है कि एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में किस सभ्यता के अंतर्गत मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगर क्वेश्चन मुझे सीधा डायरेक्ट आए तो हम एक चीज का अनुमान लगाएंगे, कालीबंगा से तो बहुत सारी चीजें मिली है तो इसका मतलब यहाँ से मंदिर के प्रमाण मिले होंगे। पर याद रखना दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। इस चीज को आप नोट करके लिखना कि कालीबंगा से मंदिर के प्रमाण, कालीबंगा से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। कालीबंगा से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ पर हमें अग्निवेदिका मिली, हवन कुंड मिले, स्वास्तिक चिन्ह मिले, मात्र सम्मान मिला, लेकिन यहाँ से हमें मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमें पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना कालीबंगा से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। आगे वैराट सभ्यता आएगी, वहां से राजस्थान में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से बहुत सारी चीजें मिली हैं हमें, जैसे मैंने आपको अभी बताया दौरियागढ़ी के अवशेष मिले हैं, दोहरे पर कोटे के प्रमाण मिले, विश्व के सबसे प्राचीन धर्म के हिसाब से जुटे हुए खेल, विस्तृत कृषि, यहाँ पर कपास की खेती, सरसों एवं चने के साक्ष्य, इसके अलावा यहाँ पर गुहा में कुएं के प्रमाण, लकड़ी की नाली मिली है, भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, शल्य चिकित्सा हाइड्रोस्कोरिस के प्रमाण, कांसे का दर्पण मिला है, अग्निवेदिका हवन कुंड मिला है, ऊपर बलिवेदी के प्रमाण मिले हैं, स्वास्थ्य चिन्ह मिला है, इसके अलावा यहाँ पर बिल्लमठ तंदूर के अवशेष मिले हैं, मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है तथा पक्की ईंटों में प्रयोग केवल स्नानालय नालों में हुआ, फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया है, मुद्रा में व्याघ्र सीता का अंकन है, मेसोपोटामिया की पांच बेलना का मोहरे हैं, कुमार देवी अंकन की मोहरे हैं, समाधि पर कैसा था मात्र सत्तात्मक, खंडित जल क्या है, रणमंत्री मिट्टी का गेंद, मिट्टी की गेंद, इसके अलावा पुरोहितों का क्या था प्रमुख स्थान, यहाँ पे कब्रें, आयताकार वृत्ताकार अंडाकार या युग्मित कब्रें, दारा संस्कार में से उत्तर दिशा में तथा धड़ दक्षिण दिशा में क्या रखा जाता था, यहाँ का प्रिय पशु कुत्ता ऊंट की भी अस्थियां यहाँ से मिली हैं। कालीबंगा से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, इम्पोर्टेंट बात है, कालीबंगा से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। अब कालीबंगा में दो वस्तुएं हमें मिली हैं, उनके संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने 1983 में हनुमानगढ़ में एक संग्रहालय की स्थापना की थी जो 1985-86 से कार्यरत है। तो ध्यान रखना यहाँ पर पुरातत्व स्थलों पर संरक्षण के लिए, पुरातत्व स्थलों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ में संग्रहालय की स्थापना की है। 1983 में स्थापना हुई, 1985-86 से कार्यरत है। पुरातत्व स्थलों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ में संग्रहालय की क्या की है स्थापना। कालीबंगा के उपस्थल, कालीबंगा सभ्यता के दो स्थल हैं, पहला पीलीबंगा, कालीबंगा का उपस्थल कौन था पीलीबंगा, इसके अलावा रंगपुर
कालीबंगा सभ्यता के दो स्थल कौन कौन से हुए, पीलीबंगा और रंगमहल। यहाँ पर पुरातत्व स्थलों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ में संग्रहालय की क्या की है स्थापना। इसके दो स्थल कौन कौन से, पीलीबंगा और रंगमहल। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता, एक चीज नोट डालकर याद रखनी है आपको कि कालीबंगा सभ्यता फर्स्ट, कालीबंगा फर्स्ट तो एक सभ्यता हुई है सोथी बीकानेर। सोथी कहां से बनी है, बीकानेर। और सोथी बीकानेर को कहते हैं कालीबंगा फर्स्ट। सोथी बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है, कालीबंगा फर्स्ट। सोथी बीकानेर भी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो कालीबंगा फर्स्ट के नाम से किसे जाना जाता है, सोथी बीकानेर को। यहाँ पर हमारे एक कालीबंगा सभ्यता कंप्लीट है। पुरातत्व स्थलों के संरक्षण के लिए या यहाँ पर जो हमें वस्तुएं मिली हैं उनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ में संग्रहालय की क्या की है स्थापना। इसके दो स्थल कौन से, पीलीबंगा और रंगमहल। और सोथी बीकानेर को क्या कहते हैं, कालीबंगा फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये तुम्हारी थी कालीबंगा सभ्यता। अब हम सभ्यताओं के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आहर सभ्यता। राजस्थान की बची बची जितनी भी सभ्यता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले एक एक करके हमने सभी सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कालीबंगा, कालीबंगा में अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। कालीबंगा सभ्यता कोशिश की गई रोड पर ही आ रहा और जहाँ तक है राजस्थान जी के का कोई भी एग्जाम देना इससे बाहर कुछ आने की संभावना नहीं है। तो कालीबंगा सभ्यता के बाद अगली हम सभ्यता अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में सब याद हुआ। Thank you so much.